दोस्तों, अगर आप इन्फिनिक्स का हॉट 8 या लेना चाहते हैं रियलमी की तरफ से रियलमी C2, ये वीडियो के बाद आपको ये जो अंदाजा था, आपका मन में जो भ्रम था कि इन्फिनिक्स हॉट 8 और रियलमी C2 जैसे स्मार्टफोन को किसी और स्मार्टफोन कड़ा टक्कर नहीं दे सकते, ये बिल्कुल आपके सामने गलत साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, शाओमी की तरफ से रेडमी 8A स्मार्टफोन का लॉन्च डेट सामने आ चुका है और कहीं ना कहीं दोस्तों सारा स्पेसिफिकेशन भी सामने आ चुका है शाओमी का रेडमी 8A स्मार्टफोन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं शाओमी का रेडमी 8A स्मार्टफोन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा क्या होगा स्पेसिफिकेशन और क्या ये स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का हॉट 8 या रेडमी C2 का टक्कर दे पाएगा कि नहीं, ये वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दो, लाइक करने से ही मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको शाओमी के रेडमी 8A में डिस्प्ले में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको बड़ा कदम देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आपको शाओमी का ए सीरीज में पहली बार आपको वाटर ड्रॉप लाइक आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मतलब दोस्तों, जो शाओमी उसको डॉट नॉच बुलाता है, डिस्प्ले में 6.1 इंच का डिस्प्ले होगा, HD+ का रेजोल्यूशन होगा और हो सकता है यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाए। और यहाँ पर आपको होगा HD+ के रेजोल्यूशन के साथ डॉट नॉच वाला डिस्प्ले, वो भी 6.1 इंच का। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको शाओमी के 7A से किसी भी तरह की मेजर इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको सेम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरे मान के चलिए जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 439 है, हेलियो का P22 से एक पावरफुल चिपसेट है। हालांकि दोस्तों, मैं मानता हूँ मीडियाटेक आजकल अच्छे अच्छे चिपसेट बना रहा है, अच्छे अच्छे चिपसेट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन दोस्तों मीडियाटेक के सामने कहीं ना कहीं दोस्तों 19-21 से कहीं ना कहीं दोस्तों स्नैपड्रैगन हमेशा आगे ही रहता है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी अंडर 6000 रुपीज़ के आसपास ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। और ये माना जा रहा है कि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 4 GB और 64 GB का स्टोरेज भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या होगा इसका प्राइस? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है 4 GB 64 GB के लिए अगर 7000 के आसपास शाओमी ले आता है तो बहुत ही ज़्यादा कड़ा टक्कर देगा दूसरे स्मार्टफोन कंप्यूटर को। रियलमी C2 हो या इन्फिनिक्स का हॉट 8 हो, बहुत ही ज़्यादा कड़ा टक्कर शाओमी इस बार देगा। के बारे में बात करें तो दोस्तों, बहुत सारे लीक्स पहले भी आ चुका था कि यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों ये देखते हुए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों लीक्स को, यहाँ पर आपको डुअल कैमरा शायद देखने को नहीं मिल सकता है। यहाँ पर आपको वही आपको 12 MP का प्राइमरी सेंसर होगा। हो सकता है यहाँ पर आपको सोनी का MX486 का सेंसर देखने को मिल जाए और फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएगा 8 MP का फ्रंट कैमरा। इसके साथ यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी भी स्मार्टफोन में आएगा, माइक्रो यूएसबी पोर्ट होगा और बॉक्स में आपको नॉर्मल 10 W का चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। MIUI 10 और एंड्रॉयड पाई के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। दोस्तों, ये देखने वाली बात होगा अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है 7000-6000 रुपीज़ के आसपास तो ये स्मार्टफोन क्या गुल खिलाता है। जैसा मुझे लगता है दोस्तों, ये स्मार्टफोन डायरेक्टली कम्पीट करेगा इन्फिनिक्स का हॉट 8 और रियलमी C2 को। रियलमी C2 जैसे स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिक रहे हैं अभी, और अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है कम प्राइस में 5500 रुपीज़ के आसपास, तो अगर 2 GB 16 GB चला आता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। अगर शाओमी को रेडमी का 5A याद होगा, जो देश का स्मार्टफोन 5000 में लॉन्च किया गया था और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और ये स्मार्टफोन भी आपको 5000 के आसपास आ जाता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं शाओमी का रेडमी 8A के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो मालूम है, लेकिन दोस्तों वीडियो शेयर नहीं करते हो। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो हमारे चैनल कैसे आगे जाएगा, इसलिए शेयर भी करना बिल्कुल भी वीडियो को ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।